बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाई वही मैंने जैसे कहा एक शांति, अगर मैं 3 महीने से भादुगढ़ में सोनीपत मैंने राज्यसभा में बात की, एक पुलिस कंप्लेंट दिखा दें किसान ने एक के साथ, वहाँ पे दुकानदार है पूरी भादुगढ़ में, पूरी बहुत बड़ा एक शहर है भादुगढ़, एक दुकानदार के साथ तू तुम एमएमए की हो, एक 3 महीना बहुत बड़ा पीरियड होता है, तो कोई उसके तो क्या, तो इस तरीके से 15 लेयर की बैरिकेडिंग कीले ये दिखाने की कोशिश की भाई ये किसान कहीं ना कहीं जो है कहीं भी कोई अगर उपद्रव करता है, कोई हिंसा करता है, सबसे पहले हम उसकी निंदा करते हैं, उसके खिलाफ दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, मगर उसकी आड़ में निर्दोष भोले वाले किसानों को पूरे निशाने पर रखना, ये सरकार की जो नीति है, ये नीति जो है ना देश हित में है ना किसान हित में है, और ये केवल किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, जो अभी ये बात की हम यहाँ पे खुल के बोलना नहीं चाहते थे क्योंकि शहीद का आपके सामने तो रख सकते हैं आप मीडिया के ऊपर, ये किसान उपभोक्ता की भी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि ये जो अगर बड़ी बड़ी जो है धनवान और धनाढ़ बीच में असीमित भंडारण का ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो असीमित आप जमाखोरी पे कोई पाबंदी नहीं है रहेगी, आपको पता है इसका जमाखोरी में पाबंदी नहीं रहेगी, उसका किसका फायदा है, जमाखोर को है कि किसान को है कि उपभोक्ता को है, उसका जमाखोर को रहेगा, उसका फायदा केवल उसका किसान से सस्ते में खरीद के, और उसका जब प्राइस बढ़ेगा तो उपभोक्ता से ज़्यादा महंगे में बेचने का काम करेंगे जो, तो ये जो आज राशन डिपो के माध्यम से हमारे इस गरीब समाज को सस्ते में अनाज और बाकी सारा कंट्रोल, क्योंकि कहीं कोई भंडारण नहीं कर सकता, तो इसीलिए सस्ते में जो है कम से कम तक महंगाई पे थोड़ा थोड़ा अंकुश लगाया जा सके, उस वो एक व्यवस्था थी हमारे देश में, ये जो किसान है केवल किसान की नहीं उपभोक्ता की भी लड़ाई लड़ रहा है, गरीब आदमी की भी लड़ाई लड़ रहा है, ये बात देश की मीडिया और देश की जो सरकार है उनको उन्होंने इस बात को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए वो अपना बीच में बाधा डालते हैं। आप लोग के माध्यम से मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि इन कानूनों पर बहस नहीं होने दी राज्यसभा में, अभी तो हम राष्ट्रपति अभी भाषण पे बोल रहे हैं, जब आंदोलन के समय कानूनों पे बहस नहीं हुई, कानूनों पे तो राज्यसभा में ध्वनिमत से पास करा दिया, तो ये बातें लोगों के सामने इसीलिए नहीं आ पाई, तो ये केवल किसान की बात नहीं है, उपभोक्ता की बात है, और सरकार समझे इस बात को और स्थिति की गंभीरता समझे, और कितना मतलब सरकार आपके सामने है, कितना गलत बोला मैंने, टोका भी उनको, ये तोमर साहब ने जो जवाब दिया कल मेरी बात का, उन्होंने मेरे को निशाने पे लिया, 100 बार निशाने पे ले, 1000 बार निशाने पे ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ा, किसान को निशाने पे ना ले, उन्होंने एक चीज़ कही कि भाई एक ही प्रदेश में आंदोलन है, मैं देश गवाह इस बात का है कि हाँ आंदोलन एक प्रदेश में नहीं है, उन्होंने कहा कि उठा साहब एक ही आपके प्रदेश में, ये पंजाब में भी आंदोलन है, मैं गलत नहीं बोल रहा इस बात, ये हरियाणा में भी है, ये वेस्टर्न उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, ये कर्नाटक में बम्बई में नासिक से उठ के आगे हजारों लाखों की सभी, और उसके बाद भी उन्होंने ऐसी बात कह दी, तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब ये तो एक मतलब इसको कैसे आप बताइए, ये सही है तो उन्होंने कही सच बोले, आप जो सत्ता पर शहीद अमित समोता सेकंड जाट मुल्तान बटालियन से, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए, आज ये मैं समझता हूँ पूरा देश उनको याद करता है, हमें गर्व है अपने भाई जिन्होंने हमारा सबका नाम इतना रोशन किया, और जो है इस परिवार को भी हम नमन करते हैं, ये उनके छोटा सा नक्श जो उनका लड़का है तो आप इनकी आंखों में देख सकते हैं, ये हमारे इस इलाके की परंपरा है, ये इस इलाके की हिम्मत है, ये हमारे इलाके में ये बहादुरी का इलाका है, गांव की भी कुछ समस्याएं हैं सर, गांव में तो जो गांव की तरफ से मेरे को जो कहा, हालांकि वो इस कार्यक्रम का, दूसरी बात आज हम पूरे देश में एक शांतिपूर्ण पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ये रहा जी कार्यक्रम, और इसके अलावा मैंने राज्यसभा में एक और बात की थी, आपने देख सुना होगा कि ये 3 महीने से इस इलाके में बैठे हैं किसान, कहीं भादुगढ़ थाने में आप पता कराओ किसी की एक मूंगफली भी छीनने की कोई कंप्लेंट आई हो, या किसी एक का कोई केला भी छीनने का कोई कंप्लेंट आई हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान के जो
मंसूबे हैं वो नेक हैं, किसान शांति और संयम के साथ अपनी, जबकि आदमी विचलित हो जाता है, इतनी वहाँ पे लोगों की जो है जाने गई हैं, डेड बॉडी जब वापस आए, मगर उसके बावजूद शांति और संयम के रास्ते पे। और मैं किसान भाइयों से भी यही कहना चाहता हूँ किसान के बेटे होने के नाते, कि ये शांति और संयम का जो रास्ता है, शांति और अनुशासन का रास्ता है, इसी रास्ते में आए इस संघर्ष की ताकत है। अगर एक व्यक्ति भी इस रास्ते से अगर अलग होगा तो पूरी देश का जो मीडिया है, जो कुछ मीडिया का एक तबका है, वो उस पे उसकी मतलब जो है ना, उसको कम कहीं ना कहीं इस तरीके से कि भाई वो आंदोलन उससे और आपका संघर्ष इससे, आपकी ताकत इससे कम होगा। हम हर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक हफ्ते पहले कि वो नज़दीक हैं, वो तो केवल एक टेलीफोन दूर है, आपने सुना होगा सर। उसके बाद ये कंप्लीट करिए, बताएंगे एक टेलीफोन दूर है, मगर जैसे ही उन्होंने कहा उसके अगले दिन ये बैरिकेड की लेट वगैरह आ गई जी, तो भैया वो नज़दीक हैं तो दूर कौन कर रहा है, दूरियाँ कौन बढ़ा रहा है। कल प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, जो राज्यसभा में हमने बात उठाई है, मेरे को भी अवसर मिला वहाँ पे जो सारी बात रखने का, तो कल प्रधानमंत्री जी उसका जवाब देंगे, कल सोमवार को। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो कह रहे हैं एक टेलीफोन की दूरी है, तो इतने कल जो करेंगे तो दूरी को ख़त्म करें जी, बोलकर कुछ उनको देश के सामने बुलाएं बात। बड़े दुख की बात है कि गवर्नर साहब हमारे, संवैधानिक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गवर्नर साहब, राज्यपाल, वो डेढ़ महीने से टाइम नहीं दे रहे हुड्डा साहब को और सारे विधायकों को। हम किसान के मुद्दे पे अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से निर्दलीय और जेजेपी के जो विधायक हैं वो खुल के कह चुके हैं कि भाई वो किसान के साथ हैं, तो ऐसे में विधानसभा में उसका कसौटी होगी। लोगों में तो, जनता में तो विश्वास खो चुकी है सरकार, मगर विधानसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे किसान के मुद्दे पे तब मुकाबला होगा, मगर गवर्नर ही नहीं मिल रहे। आप बताओ, ये प्रजातंत्र में आप लोग भी इस बात को, क्योंकि आप लोग पत्रकार का आप लोग का एक दायित्व तो होता है, गवर्नर साहब भाई आगे हमें, हमारे को अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार है कि नहीं, ये बताओ आप जी। बिल्कुल। और दूसरी बात, गवर्नर तो मिले तो सही, गवर्नर साहब कुछ गवर्नर साहब को मिलने के लिए इजाज़त नहीं मिलती।